राम राम जी, कैसे हैं आप सब? बलिया हैं, हम भी बलिया हैं, गौरली भी बलिया है। बोली, गरी मामा बेटा, लादे लादे करो, लादे लादे। गरी मामा मामा राम वो राम जी, राम 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 को, राम राम, जय सियाराम। वाला गाना फिट बैठ रहा ना आज गौरी पे। हाँ, गौरी तेरी आंखें के कहे कहे रात रात भर भर सोई सोई नहीं, नहीं, चंदा चंदा देखे देखे। चांदनी ये चकोरी। हमारे पापा ये तो गाना गाता नु है अरे नहीं आते यार गाने, सब गाने भूल जाता हूँ। पहली लाइन याद रहती है, हर गाने की दूसरी लाइन भूल जाता हूँ। गाना कहीं किस और होता है। चंदा देखे चांदनी चकोरी ये कहे, कुछ ऐसी तो है। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो सब लोग? और दुकान पे बैठी हुई हूँ मैं, और बालों की देखो मैं दवाइयाँ भी करा रही हूँ, फिर भी ये बहुत ज़्यादा उड़ते जा रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि होता है ऐसे। ये आज मैंने कैप नहीं लगाई है, बाल बहुत ज़्यादा खींच रहे थे कैप से, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा होता है, आ जाएंगे। अभी मेरी एक सब्सक्राइबर भी आई थी, वो यूट्यूबर भी हैं, जिसकी क्लिप मैं आपको दिखा भी दूंगी। मतलब बैठे थे दुकान पे काफ़ी देर, बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे। कभी कभी ये लगता है ना कि कुछ लोग अनजान होकर भी अपने हो जाते हैं, तो उनके साथ में वो ही लगा, काफ़ी अच्छी लगी वो मुझे। और काफ़ी देर बैठी हैं, बातें की हैं, इवन बातें इतनी लंबी चली गई कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ की बातें हम कहाँ कर रहे हैं। वो लेट भी हो रही थी, उनके दो छोटे बच्चे हैं, दो बेटियां हैं, लेकिन फिर भी इतना टाइम निकाल करके वो आई। उनको कुछ सामान भी लेना था और मिलना भी हो गया, इस मतलब सामान भी ले गई और मिलना भी हो गया। अभी वो निकली हैं यहाँ से, थोड़ी देर हुई है, तो एक्चुअली मैं उनको घर भी नहीं ले जा पाई थी, दुकान पे ही मैं मिली उनसे। गौरी को सुलाया है, गौरी को सुलाने के बाद तुरंत तो मैं आ गई थी यहाँ पर। काफ़ी अच्छे नेचर की थी। उनके चैनल का नाम जो है लाइफ भी तो गुनायू समथिंग ऐसा था, मैं सॉरी माफ़ी चाहती हूँ कि मैं भूल रही हूँ। मैं उनकी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप सब लोग देख लीजिएगा एक बार। दुकान पे तो आवाज़ ज़्यादा होती है, कहते हैं ना कि बैठे बिठाए कुछ कभी भी कुछ भी हो जाता है। अभी वो लोग निकले हैं यहाँ से और उन्हीं के सामने, मतलब हम लोग ऐसे ही बाहर, मैं उनको छोड़ने के लिए जा रही थी, तो इधर से एक भैया आ रहे थे स्कूटी पे, वो तुरंत के तुरंत मतलब गिरे। मुझे लगा कि उन्हें चक्कर आ गया है, मैं उन लोगों से पूछी थी कि क्या हुआ है। चक्कर देखा तो उनका पूरा सर यहाँ से फट गया था। ये लोग जो आगे लकड़ियाँ तोड़ रहा था, जिनकी लकड़ियाँ आकर के गिरी वहाँ पे, और कैसे मुझे मतलब पूरा नहीं पता है, बस ये पता है कि सर फट गया, क्योंकि वो दुकान के आगे सीढ़ियों पर इन्होंने बिठाया था उनको, टॉवल दी उनको सर ढकने के लिए। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, मतलब बाहर हमारी दुकान की सीढ़ियों पर बहुत ज़्यादा खून गिर गया था उनका। ये लेके भी गए थे, मेरे हस्बैंड लेके गए उनको स्कूटर पे, लेकिन उनके कोई जानने वाले मिल गए थे तो उनके साथ बाइक पे चले गए। वो शायद वो केले लेने आ रहे थे, मैं ये देखो ये दिखाऊं तो वो उन्हीं के रखे हैं, वो शायद बाहर रोड की तरफ केले लेने के लिए गए होंगे, ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उनके हाथ में ये ही था। बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से गिरे थे, बैठे बिठाए कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता है हमें, एक पल का नहीं पता है। तो चलिए, आज वैसे तबीयत मेरी कल से थोड़ी ठीक है, लेकिन तबीयत अभी भी हाथ में पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। ये ब्लॉग मैं इतना छोटा सा ही डालूंगी अभी, और आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा चैनल पर, आगे ब्लॉग मिलेंगे मिलेंगे, क्योंकि तबीयत ख़राब होती है तो कुछ काम नहीं हो पाता है। चलिए मैं मिलती हूँ बाद में। वो कुछ गिफ्ट भी लेकर के आई थी जो कि नहीं लाने चाहिए थे, इसी वजह से मैं पता है बुलाती नहीं हूँ किसी को भी। क्या होता है ना, अच्छा नहीं लगता है, सब लोगों का प्यार और दुआ बहुत ज़्यादा है तो वही सब अच्छा लगता है। तो बहुत प्यारा से गिफ्ट भी लेके आई है, वो मैं घर जाके आप लोगों को दिखाऊँगी कि क्या लेकर के आई थी। चलिए मिलते हैं बाद में। घर के कामों में क्या कर रहे हो आप दिन भर? बच्चे की रोटियां साफ कर रहे हो या रोटियां सब्जियां बना रहे हो? यही कर रहे हो? अगर अच्छे से करो ना तो उसमें भी अलग ही मजा है, ऐसी बात नहीं। मुझे नहीं ऐसा लगता, मुझे मैं सच बताऊं जानने वापस आने की नहीं, काम तो ये पहले भी करते थे, इन्हीं के काम छोड़ के जाते थे। बस ये तो ना एक रूटीन होता था कि घर से निकलना है, ऑफिस जाना है, एक टाइम जब छूटता है ना तो बहुत दिक्कत होती है। रियलिटी में से शेयर कर लेंगे आप लोग। नहीं नहीं, मैं खाऊंगी भी नहीं, थोड़ा सा ले लो ना, ले लेंगे आप लोग ना। तो बस ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाई थी इन लोगों के लिए, ना ही मैं घर पे बुला पाई थी इन्हें, क्योंकि अभी गौरी भी सोई हुई थी, और तो हम लोग बस दुकान पे ही बैठ कर के मस्ती कर रहे थे, मतलब बातें कर रहे थे। ये इनके हस्बैंड हैं और ये यूट्यूबर हैं,
बहुत ही अच्छी थी, बात करने में बहुत अच्छा लगा, लगा ही नहीं कि मैं इनसे पहली बार मिल रही हूँ, तो बहुत ही अच्छे से बातें कर रहे थे, मतलब एकदम ऐसे लग रहा था कि हाँ हम लोग अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जिससे कई बार आप लोग खुद भी देख सकते हो कि कितने आराम से कम्फर्ट होकर हम बातें कर रहे हैं, और ये ना स्टूल नहीं था तो ये खड़े थे, हम लोग बैठे हुए थे, तो अच्छे से मतलब इन्जॉय किया कि हाँ ठंड हो रही है, समोसे खाए हैं, मज़ा आ गया था बात करके। तो चलिए अब इनका गिफ्ट देख लेते हैं क्या था। भाई वो जो आई थी मेरी सब्सक्राइबर और जो यूट्यूबर थी वो मतलब एक ही हैं, वो ये गिफ्ट लेके आई थी, दिखा दो उस पर क्या लिखा हुआ था बेटे। उनके चैनल का नाम है ये लाइफ विथ गुनायू, एक मिनट आप देखो आ रहा है ना पढ़ने में। हाँ जी चलो, तो ये गौरी के लिए लेकर के आई थी, देखते हैं इसमें क्या है। थोड़ा ब्लैंकेट उधर को कर देना बच्चे, हाँ अब खोलो आराम से। भाई इतना कुछ तो देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। खोलो जिप, खोलो इसकी। कितना प्यारा है ना, किसने भी नहीं दिया आज तक ऐसी इतनी प्यारी ड्रेस। तन्नू को ये सबसे ज्यादा प्यारी ड्रेस लगी अब तक की, तन्नू ये बोल रही किसी ने भी नहीं दी है इसी, मतलब सच में बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत ही प्यारी है। मुझे लगा था कि कुछ टेडी वियर वगैरह होगा जिस तरीके से पैक था, ये देखो यार इतना करने की सच में ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल भी, मैं फिर कहूँगी, लेकिन ये बहुत 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 ही प्यारा है, सच में बहुत पसंद आया मुझे। बटन है ना इसमें, तनु ये खोलने वाला है देखो फ्रंट। कोई बात नहीं आराम से खोलो, इतने आप नोनी को देखो, नोनी चुईया ढूंढने में बिजी है। मतलब बहुत ही अच्छा है यार ये देखो, पूरा अभी पहनाने लायक है और बहुत बहुत अच्छा है, थैंक यू। और एक ये लेके आई थी अमूल का, ये देखो ये तन्नू के लिए है, ये गौरी के लिए है। कपड़े तो गौरी पहनेगी भाई, तुम नहीं पहन सकती ना। तो मैं क्या कुछ बोल रहा हूँ, देखने लग रहा हूँ वो तो ड्रेस देखने में बिजी है। और हाँ देखो वाकई बहुत अच्छा है। चलो अब गौरी को दिखा देती हूँ मैं कि गौरी को कैसा लगा। गौरी आपको कैसा लगा बेटा ये, अच्छा लगा? लाइट आ रही ना, वाइट आ रहा है। गौरी बेटा आपको कैसा लगा? अभी लुको मैं देख लूँ पहले। ओह माय गॉड इतना सुंदर, ओह माय गॉड आंटी ने तो इतना प्यारा गिफ्ट दिया है, ओह माय गॉड खुश हो रही है। लाइट नहीं जला रखी एक्चुअली ना, ये दिक्कत हो रही है। काफ़ी अच्छी थी वो, बहुत अच्छी थी। और बस चलिए गिफ्ट भी मैंने आपको दिखा दिया है, अब ठीक है, देखो अब ठीक है, आज देखो अब देखो अब ठीक है ना बिल्कुल। और थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। तन्नू ये खोलने में लगी हुई है, ये देखो कहाँ गया, अरे दिखाओ ना दिखाओ, ये रहा। अब खाएंगे हम लोग ये और फिर मिलेंगे बाद में। तो आज मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ मशरूम की सब्जी, तो प्लीज़ मत बोलिएगा किस तरीके से बना रही हो, कुछ नया तरीका है। मैं जब मुझे बहुत जल्दी होती है तो मैं इसी तरीके से सब्जी बनाती हूँ और टेस्ट भी बहुत गजब का आता है, ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने मशरूम लिया है, दो पैकेट छोटे वाले थे वो मैंने काट लिए हैं अच्छे से मशरूम को, और इसके ऊपर ही मैं प्याज काट दूंगी, एक छोटी प्याज ली है मैंने। और ये बहुत ही झटपट वाला तरीका है और बहुत जल्दी बनती है, और यकीन मानिए बहुत टेस्टी भी बनती है, क्योंकि मैं इस तरीके से कितनी बार कई सब्जियां बनाती हूँ। अभी तबीयत ठीक नहीं थी तो जल्दी में मेरे को खाना बनाना था, खैर कुकर में मैंने दाल उबलने के लिए रखी है, अभी उबल चुकी थी वो। और यहाँ पर ये देखिए मशरूम के साथ में मैंने काट लिया था प्याज और टमाटर और दो हरी मिर्ची ली थी, और तेल रख दिया था गैस पर, और मतलब कढ़ाई में तेल डाल दिया था, गरम हो चुका है, हींग और जीरा डाला है, और इसी के अंदर मैं अब डाल दूंगी ये कसूरी मेथी।
और मैंने डाल दिया है इसमें जो मैंने एक काटे हुए थे तीनों चारों हरी मिर्ची को मैंने मोटा काटा हुआ है, मतलब दो हरी मिर्ची लेके इसको बीच में से काट के ऐसे ही डाला है ताकि इनके मुंह में ना आए और मैं अलग से उसको निकाल दूँ और हरी मिर्ची का टेस्ट भी आ जाए। तो सूखा धनिया, नमक, मिर्ची ये सब मैंने इसमें डाल दिया है, ऐड कर दिया है, वही चला दिया है। और मशरूम वैसे भी अच्छे लगते हैं खाने में, और हल्का सा मैंने ना इसमें पानी भी डाल दिया था, उस पहले ही ऐड कर दिया था उसमें, और ये चला दिया है मैंने। चलाने के बाद में मैं इसको ढक करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और बीच बीच में चलाती रहूँगी मतलब ढकने के बाद भी। तो अभी बीच में मैं पहले अब रोटियाँ भी बनानी शुरू कर दी हैं मैंने साथ में। तो पहली रोटी मैं बनाने लगी थी तो तन्नु बोल रही थी नहीं मैं बनाऊँगी, मैंने बोला नहीं मैं बनाऊँगी। अब ये तन्नु ही बेल रही है, और आटा गूंदते ही तुरंत रोटी बनाने लग जाओ तो आटा अच्छे से नहीं लग पाता है, क्योंकि उसने ठंडे पानी से ही आटा लगा दिया था। एक तरफ सब्जी बनी रही है अभी मेरी, और देखो वो बेले जा रही है। मैं तन्नु को बोल रही थी, मैंने कहा तन्नु ये रोटी अच्छी नहीं बनेगी, वीडियो बन रही है, तो बोल रही थी कि कोई बात नहीं, तो ये तवे पर डाल दी थी। और दूसरी रोटी मैं बेलने लग गई थी तो ये भी अच्छी नहीं बनी थी, मतलब पता नहीं क्या हो रहा था। हम दोनों एक्चुअली ना मस्ती ज़्यादा मार रहे थे, मस्ती कर रहे थे बहुत ज़्यादा। हम घर में आप लोगों को पता है, वीडियो में भी देखते हो कि हम लोग किस तरीके से करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरी रोटी मैं डाल दूँगी, और ये रोटियाँ मैं सेक लूँगी इनको। इसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि सब्जी कैसी बनी थी, क्या था। क्या होता है ना, मिल करके काम करो तो मज़ा भी आता है और जल्दी से काम भी ख़त्म हो जाता है। तो मैंने और तनु मेरी सच में बहुत हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है उसकी। तो जितना टाइम वो मिलता है, मतलब मिलता क्या है, करवाती है, साथ में स्टडी भी करती है, पूरा टाइम हम दोनों का ऐसे ही बीत जाता है, क्योंकि गौरी के साथ में पूरा काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता, फिर ऊपर नीचे का घर उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से वो पूरा मेरे को टाइम देती ही देती है। तो चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पर सब्जी मैंने खोल करके मैं देख रही थी, ये कुछ इस तरीके की बनी है। कढ़ाई में आपको इस तरीके से लग रही है क्योंकि कढ़ाई थोड़ी काली हो रखी है, और ये डेली दिन में चार दो तीन बार तो यूज होती है। और मेरी हाथ में कहते हैं ना, एक बर्तन लग जाता है तो वही ज़्यादा चलता है, तो यही मैं यूज करती हूँ। इसमें मैंने धनिया डाला है, धनिया पत्ता, और थोड़ा सा मैंने इसमें पनीर कस दिया है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये तनु ने फ़ोन पकड़ा हुआ था इस वजह से फ़ोन हिल रहा था, तो यहाँ पर ये देख सकते हो आप। अभी मैं कटोरी में आपको निकाल के दिखाती हूँ किस तरीके से बनाई थी मैंने मशरूम की। ये देखिए मुझे बहुत टेस्टी लगी, इन लोगों को भी बहुत टेस्टी लगी, इवन पता है इन्होंने थोड़ी सी बचा भी ली कि बोलते हैं सुबह खा लूँगा। तो झटपट तरीके से बनानी हो तो इस तरीके से बना सकते हो। और चलिए आगे मिल लेते हैं, अब आगे देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग। वो गाना नहीं है, वो डीजे वाला गाना जो है डीजे पे बजता है, डीजे वाले भैया मेरा गाना बजा दे। अरे सुन तो लो, दोनों के दोनों डांस करना शुरू कर दिया दोनों ने। वो वाला गाना, तारे देख के मैं ते जागा रहता नू, अच्छा लोकना पावा अखिया विच गंदी यानी बरसाता नू, ओ हो 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 ओ हो 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 ओ हो हो हो। नोनी भाग गई नहीं जी, तुम्हारा गाना सुन रही है। नोनी कह रही है उनका शुरू हो गया, अब मैं भाग लूं। आगे लाइन क्या है, अक दिया मैंने। नोनी बेटा तू बाहर ही चला गया, नीचे चला गया। तुम्हें पता है गाना कौन सा है, गाना ये रोक ना पावर किया बच्चों गम दिया बरसाता नु आ गया आता। ओ हो 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 याद तेरी तड़पावे, पता है गाना कैसा है, इस सैड सॉन्ग है ये, और जिस पे लोग डांस करते हैं कितना देखो। सबसे अच्छे गाने तन्नु कौन सी मूवी के लगते हैं तुम्हें, तुम्हें कौन सी मूवी के लगते हैं? सब सारे अच्छे होते हैं, स्लो म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे उसका गाना बदतमीज दिल बड़ा मस्त गाना लगता है। जिंदगी दी ये जिंदगी है, मुझे तो तुम बिन मूवी के अच्छे लगते हैं, तुम बिन के भी अच्छे हैं, वो स्लो म्यूजिक। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन। ये कुछ अलग अलग नजर आ रहा है ना, येलो कलर। ए भगवान, चलो तनु आपको कुछ गाना, क्या गाऊंगी मैं तनु गा, मेरी बाई नहीं आई तनु ये वाला गाना गाएगी ना तू किचन में, अब सब पता मुझे क्या कमेंट करेंगे।
बेचारे बच्ची से काम करा रहे हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, एक गाने को ऐसे तेज से ले जाते हो, थोड़ा स्लो में गाओ। चलो धीरे धीरे गाइए, धीरे धीरे गाओ, इमोशन गाइए, इमोशन नहीं आने चाहिए बीच में। जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ गोरी। कोई हमें कहेगा इनको रात को 12 बजे इनको दोरे पड़ते हैं कुछ। क्या करें फिर भाई, रात को 12 बजे हम सब लोग इकट्ठे हो। जब तक गौरी जग रही है तब तक हम कैसे सो सकते हैं भाई? गौरी को सुला के तो सोना होता है। गौरी जगी, गौरी को नींद आने लग गई। नींद नहीं आई, छींक आ रही थी शायद। गौरी रात 3 बजे सोई है, मैं पता है एक हफ्ते से ढंग से नहीं सोया। सो जाना, मैं यहाँ पे इसको लेके बैठ जाता हूँ, बैठा रहता हूँ, तुम सो जाओ, मैं सुला दूंगा इसको, जाओ। चलो गुड नाइट, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसकी स्माइल के लिए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी लगे तो शेयर कर देना। आज इतना अत्याचार कर रहा है, एक बाप और बेटी को घर से रात को 12 बजे निकाला।